પંજાબના સીએમ ભગવંત માનનો યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રોડ શો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં આપના કાર્યકરો જોડાયા હતા અને ગુજરાતમાં આપની સરકાર બનવાનો દાવો કર્યો હતો. પરંતુ ડાકોરની મુલાકાત દરમિયાન મંદિરમાં દર્શન ન કરતા પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સામે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. ડાકોરના ઠાકોર રણછોડજીના દર્શન કર્યા વિના પંજાબના સીએમ પરત ફરતા ભગવંત માન સામે રોષ જોવા મળ્યો. દર્શન ન કરવા જનાર આપના સીએમ વિરુદ્ધ ભાજપના સોશિયલ મીડિયામાં અભિયાન શરૂ થયું છે. સોશિયલ મીડિયામાં હિન્દુ વિરોધી આમ આદમી પાર્ટી ગણાવવામાં આવી છે. कितने नंबर पर बटन है अपना? चार मशीन में चार नंबर पर है, जमीन में पहले नंबर पर आना है. सरकार बन रही है हमारी पार्टी की और युवाओं को मौका मिलेगा. पेपर भी फूट देंगे आप, पेपर भी फूटेंगे. जो मेहनत करके पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी. हाँ, युवाओं का पेपर फूटा सपना टूटा. तो मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ. आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार. मुझे फर्क ही नहीं लग रहा मैं किसी पंजाब की किसी शहर की मंडी में हूँ या आपके पास. देखो ये फूल किस्मत, कोई पुराने जन्म पर तुमने वैसा नेताओं को फूल आज की डेट में, वरना कोई देखता नहीं है नेताओं की तरफ. इतने फूल मिल रहे हैं, माई बहने सर पे हाथ रख के शीवा देती है. एक तो ये लेता है और दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस वाले हैं, उनके साथ एक बार हाथ मिला के बात है, उंगलियां कितनी बढ़ती हैं, पूरी है या ले गए एक साथ. इतने ही मुझे खराब हो गया भाई साहब. 27 साल हो गए. 27 वो पेड़ है, पीपल का पेड़ है. वो पेड़ पता क्या कह रहे हैं? वो पेड़ कह रहा है कि तुम्हारे इनको बता दे, हर पल हम भी अपने पत्ते बदल लेते हैं, इस बात को बदल दो. ये कह रहे डबल इंजन की सरकार थी. अरे डबल इंजन की नहीं, गुजरात को नए इंजन की जरूरत है. केजरीवाल मॉडल मार्केट में आ चुका है. इलेक्ट्रिक इंजन है, भारत से दौड़ते हैं. ये कोने वाले इंजन से हेड पीछे छोड़ डालो भाई साहब. तो कांग्रेस को वैसे कोमा में चली गई. वो तो अगर वोट भी दोगे, अगर कोई गलती से जीत भी गया, जीतते ही उसने भाजपा को फोन करते हैं कितने पैसे दोगे मैं आपकी तरफा. कांग्रेस ऑन जेल, जेल पे हो रही है, मैदान छोड़ के भागे. इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी. अगर अच्छे ना निकले वादे पूरे ना किए भाई साहब, 5 साल बाद उखाड़ के फैल देना, शक्ल भी दिखाएंगे तुम्हारा जिंदगी. लेकिन हमें